हम बात कर रहे हैं रिफिक्स इंडस्ट्रीज़ की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक में 2% के ऊपर की गिरावट के साथ स्टॉक 485 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद हम देख सकते हैं स्टॉक इस रेंज में सस्टेन होता नज़र आ रहा है, यानी 480 के लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, 500 के लेवल पर रिजेक्शन फेस करता नज़र आ रहा है, एक रेंज में ट्रेड करता नज़र आ रहा है हमको। हमने डिस्कस भी किया था कि 480 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर और बड़ी गिरावट दिखा सकता है। तो इस वक्त अपने सपोर्ट एरिया पर ही नज़र आ रहा है 480 के लेवल पर, लेकिन बाज़ार में जो है गिरावट देखने के लिए मिल रही, सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। रिफिक्स पे तो फिलहाल उतनी बड़ी सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रही, लेकिन बाज़ार में हम देखें SJVN, BHEL, HFCL इनकी बात करें तो भारी भरकम सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस गिरावट के साथ, इस सेलिंग के साथ बाज़ार की रिफिक्स 480 के लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा ये जो सपोर्ट है जहाँ से बड़ी बाइंग आई थी 460 का लेवल, और सबसे आखिरी सपोर्ट रहेगा 420 का लेवल जहाँ से बड़ी गिरावट के साथ सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया था। लेकिन 480 के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक तो हाईली चांस बन रहे ब्रेकआउट के। 500 का लेवल इमीडिएट टारगेट है और इसी लेवल के ब्रेकआउट के चांस बन रहे, तो हमको नज़र रखना है 500 के लेवल पर, पहला टारगेट है अपना। ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 520 और इसके ब्रेकआउट के बाद 540 का लेवल। अब देख पा रहे होंगे चार्ट पर 540 का लेवल जहां से रिजेक्शन के बाद लगातार गिरावट दिखाई थी। अगर बाउंस बैक के साथ 540 का लेवल ब्रेकआउट कर गया रिफिक्स तो उसके बाद अगेन इसमें बड़े धमाके देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि ट्रेंड पॉजिटिव है, लगातार अपसाइड स्टॉक ने दिखाई, बड़ी तेज़ी दिखाई है, उसके बावजूद भी बड़ी सेलिंग नहीं है, स्टॉक अपने हाई के आसपास ही है, तो ब्रेकआउट के चांस यहाँ हाईली बनते नज़र आ रहे हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।